सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मी तुषार, यूपी 78 से। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी बाइक के बारे में जिस बाइक की इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद अगर आप अभी करंट टाइम पे रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 को ओन करने का मन बना रहे हैं तो आई होप वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी, और आप रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 को छोड़कर आ जाएंगे इस बाइक की तरफ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बजाज की तरफ से हाल ही में लॉन्च हुई बजाज ट्रायंफ स्पीड 400 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस बाइक की बात करूँ तो ये बाइक आपकी रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 से लाख गुना ज्यादा बेटर होने वाली है। असंभव, असंभव क्यों होने वाली है तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों बाइकों के इंजन कैपेसिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बजाज ट्रायंफ स्पीड 400 की। तो इस बाइक में आपको देखने को मिलता है 398.15 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 40 PS की 8500 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क जो है जनरेट करता है 37.5 Nm का 6000 RPM पे, जो कि बहुत अच्छी पावर है। अब मैं बात करूं यही क्लासिक 350 की, रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 की पावर जो है उसमें आपको देखने को मिलता है 27 Nm का मैक्सिमम टॉर्क, जो कि भाई बहुत ज़्यादा कम है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है ट्रायंफ स्पीड 400 से भाई 10.5 Nm टॉर्क का अंतर है दोनों बाइकों के मैक्सिमम टॉर्क में। अब मैं बात करूं बजाज की ट्रायंफ स्पीड 400 की, तो इस बाइक में आपको देखने को मिलता है 150/60 का वाइड टायर, जिससे कि पीछे से रियर से इसका लुक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आने वाला है, रोड पे रोड प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, समझ गया। और फ्रंट टायर की बात करूं तो फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा 110/70 का टायर, जो कि सेम टायर रॉयल इनफील्ड की हंटर 350 में है, लेकिन अंतर बस इतना है कि इसमें आपको रेडियल टायर है और रॉयल इनफील्ड की हंटर 350 में नॉर्मल टायर प्रोवाइड किए गए। अब हम बात करें दोनों बाइकों के माइलेज की बात करें तो माइलेज में आपकी रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 कितना माइलेज दे देती है, 30 to 32 बस। और आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा 41 तक का माइलेज क्लेम कर रही कंपनी, जो कि 400 सीसी के इंजन के साथ साथ 41 का माइलेज बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन माइलेज होने वाला है। और भाई अगर 41 नहीं दे रही तो 35 तो देगी ही, जो कि बहुत अच्छा माइलेज होता है भाई। क्लासिक हंटर दोनों बाइकें भाई 28 से 32 के बीच में माइलेज देती है, और लोकल में आपको 25 तक का माइलेज देगी भाई, इससे ज़्यादा माइलेज नहीं देती। मेरे पास खुद है हंटर 350, मैं 28 से 30 के माइलेज में सिटी पे चला रहा हूँ, बस इतना ही माइलेज देती, इससे ज़्यादा माइलेज नहीं देती। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अब मैं बात करूँ दोनों बाइकों की इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, तो आपकी जो क्लासिक 350 है भाई आपको हेलोजन हेडलैम्प, हेलोजन टेल लैम्प, हेलोजन इंडिकेटर, और मैं बात करूँ ये बजाज ट्रायंफ स्पीड 400 की, तो फुल्ली LED सेटअप दिया गया है, जो कि एक प्लस पॉइंट है बजाज ट्रायंफ स्पीड 4 के लिए। तो भाई एक प्लस पॉइंट ये हो गया आपको बजाज ट्रायंफ 400 लेने के लिए। अगर आप क्लासिक 350 और बजाज ट्रायंफ स्पीड 400 की टॉप स्पीड की बात करते हैं तो आपकी क्लासिक 350 कितनी टॉप स्पीड अचीव कर लेती है, 130, 132, 135 बस, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी भाई। मेरे पास खुद एंटर 350 हो जाती है 130 प्लस नहीं जाती भाई, बहुत ज़्यादा 132 चली जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाती। अब मैं बात करूँ ये बजाज ट्रायंफ स्पीड 400 की, तो ये बाइक आती है 6 गियर्स के साथ, 6वें गियर में आप इस बाइक को 150 टॉप स्पीड अचीव कर सकते हो। मज़ा आया, जो कि बहुत अच्छी टॉप स्पीड है भाई। अगर आप एक बहुत अच्छे राइडर हो तो आप रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 को स्किप करके बजाज की ट्रायंफ स्पीड 400 की तरफ इजीली जा सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छी स्पीड मिल जाएगी आपको, बहुत अच्छी पावर मिल जाएगी, और भाई इसका जो सीट हाइट है वो भी काफ़ी अच्छी है। आपको रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 में देखने को मिलती है 8 to 10 mm की सीट हाइट, और यहीं बात करूँ मैं बजाज की ट्रायंफ स्पीड 400 की तो इसमें आपको देखने को मिलती है 8 to 90 mm की सीट हाइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है शॉर्ट राइडर्स को। और मेरी हाइट है 5'3" है, तो मेरी हाइट जो है अंडर 350 के हिसाब से कंफर्टेबल है। और अभी शॉर्ट हाइट राइडर की बात करूँ तो आप इसमें 790 mm की सीट हाइट है, तो आप ले सकते हो इजीली, राइड कर पाओगे इस बाइक को। और 170 कर्व वेट है, 170 kg का कर्व वेट है। और यही बात करूँ क्लासिक 350 की,
जिसमें आपको 191 केजीज का वेट मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। तो सिटी में आपको इसको मैनेज करने में, हैंडल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। वहीं बजाज की ट्रैम्प स्पीड 400 को आप इजीली सिटी में भी राइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद और एक बात और बता देता हूँ, दोनों ही बाइकों में आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। और अगर आप रॉयल इनफील्ड के कट्टर फैन हैं तो भाई इस वीडियो को देखने का कोई उद्देश्य नहीं बनता आपका। अगर आपने वीडियो देख लिया है तभी आप क्लासिक 350 की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि आप कट्टर फैन जो ठहरे रॉयल इनफील्ड के, तो उनके लिए तो ये वीडियो नहीं होने वाला। और अगर आप अभी बजट देखना चाहते हैं, अच्छी स्पीड देखना चाहते हैं, अच्छी पावर देखना चाहते हैं, तो आप बजाज की ट्रायंफ स्पीड 400 की तरफ इजीली जा सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो है, तो इतनी सारी बातें जानने के बाद दिल से बताइए आपको कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लगी, बजाज ट्रायंफ स्पीड 400 या क्लासिक 350। और प्राइस पॉइंट की बात करूँ तो बजाज की ट्रायंफ स्पीड एक्स शोरूम प्राइस जो है वो 2.33 लाख से स्टार्ट होकर के ऑन रोड जाता है 2.70 से 2.75 लाख ऑन रोड। तो ठीक है, प्राइस पॉइंट बढ़िया है, अच्छी पावर है, अच्छी टॉप स्पीड है, अच्छा माइलेज है, जो कि बहुत अच्छी प्राइस पॉइंट पे बहुत अच्छी बाइक निकाली है बजाज ने। तो 1 लाख बजाज के लिए। और दोनों बाइकों में आपको कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है कॉमेंट करके बता दीजिएगा, और कोई लड़ेगा नहीं, ट्रायंफ स्पीड 400 क्लासिक 350 कोई लड़ेगा नहीं। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा।